दोस्तों, आपका नविता कुकिंग में स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आप घर पर ही सॉफ्ट, हेल्दी और ताजा पनीर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप दूध का पैकेट काटें तो उसका कॉर्नर पूरी तरह से अलग ना करें, क्योंकि कटे हुए कॉर्नर्स रिसाइकल नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में 1 लीटर दूध उबाल लेंगे। मैं दूध के सभी पैकेट्स ऐसे ही काटती हूँ। दूध को चलाते रहिए ताकि दूध नीचे से जले नहीं। जब दूध में उबाल आ जाए तो उसे उतार कर 1-2 मिनट के लिए रखें। अब आधा कटोरी नॉन फ्रूट विनेगर ले लीजिए, उसमें आधा कटोरी पानी डालकर अच्छे से मिला लें। अब दूध को रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब दूध में आप 2-2 या 3-3 चम्मच करके विनेगर और पानी का जो घोल बनाया था ना, उसे मिलाते रहिए और दूध को चलाते रहिए। आप देखेंगे कि दूध धीरे धीरे फटना शुरू हो गया है। इसी तरह से हम 2-2 चम्मच करके विनेगर और पानी का जो घोल है उसे दूध में मिलाते रहेंगे और चलाते रहेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो 2-3 नींबू के रस में पानी मिलाकर भी दूध को फाड़ा जा सकता है। देखिए दोस्तों, दूध से छेना अलग होने लगा है। ध्यान रखिएगा कि विनेगर के घोल को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे फिर चलाएंगे। ये देखिए, दूध से छेना बिल्कुल अलग हो चुका है। अब आप एक स्ट्रेनर ले लीजिए, उस पर मलमल का या फिर कोई भी साफ सूती कपड़ा रख ले। मैंने यहाँ दुपट्टे का इस्तेमाल किया है। अब इसको छान लेते हैं। अब पानी से धो लेते हैं। ये स्टेप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे छेने में से विनेगर की स्मेल और उसका खट्टापन खत्म हो जाता है। दोस्तों, घर का बना पनीर बाजार के पनीर से ज्यादा सॉफ्ट और फ्रेश होता है, और बिना डरे आप ये पनीर बच्चों को कच्चा भी खिला सकते हैं। अब कपड़े को अच्छे से लपेट कर बचा हुआ पानी निकाल दीजिए। ये देखिए, छेना अलग हो चुका है। कपड़े को अच्छे से लपेट कर इस पर 1/2 घंटे के लिए कोई भारी सामान रख दीजिए। चकला सबके घर में होता है तो आप इसको ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 घंटा हो चुका है तो आइए देखते हैं पनीर कैसा बना है। दोस्तों, ये देखिए पनीर कितना अच्छा बना है। 1 लीटर फुल क्रीम दूध में करीबन 250 ग्राम पनीर बनेगा। पनीर बहुत ही सॉफ्ट है तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। दोस्तों, काफ़ी लोग होते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद हो सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।